Assalamu alaikum students, today is the turn of the answer question of the hollow man. Yesterday we read the poem, the hollow man and its explanation. Take out your notes that have been provided to you. Short question answers on the first page. पहले पेज पे जो question number 1 है, why does the poet call modern man as hollow man? Poet जो है वो modern man को हॉलो क्यों कहता है? हॉलो मीन एम्प्टी, खाली. आंसर, द पोइट कॉल्स द मॉडर्न मैन एज द हॉलो मैन बिकॉज दे आर फेथलेस एंड सेल्फिश पीपल. फेथलेस मीन ईमान की कमी होना और बददियानत होना, झूठा, बेतबार. सो because they are faithless and selfish people, devoid of sincerity and worth. Worth mean value, qadr o qeemat. To ye sincerity se, ikhlas se aur qadr o qeemat se devoid mean mehroom hai. Their lives are purposeless, unki zindagiyan be maqsad hain, and they are unable to form a healthy society. वो सेहतमंद माशरा बनाने के काबिल नहीं हैं. दे आर जस्ट पपिट्स एंड डमीज. पपिट्स यू नो वेरी वेल, पुतलियों को कहते हैं. और डमीज आपने देखा होगा कि डमीज जो स्टैचू से बनाए खड़े किए होते हैं, जब को ड्रेसेस पहनाए हुए होते हैं. शो इधर कभी आप ड्रेसेस लेने जाएं तो स्टैचूज बने होते हैं प्लास्टिक के. तो जस्ट वो पपिट्स हैं, पुतलियाँ हैं, डमीज हैं, यानी उनमें अपनी कोई वैल्यू नहीं है. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू द मैन ऑफ पर्पस थिंक ऑफ मॉडर्न मैन. जो वो लोग जिनकी ज़िंदगी का कोई मकसद था, वो मॉडर्न मैन को क्या समझते हैं? अकॉर्डिंग टू द पोइट, द मैन ऑफ पर्पस कंसिडर द हॉलो मैन मेयर पपिट्स एंड डमीज लैकिंग मॉरल स्ट्रेंथ. जिसमें इखलाकी जो कुव्वत है उसकी कमी है. दे कंसिडर दम इनएक्टिव and inefficient people who have no right to be called human beings. वो inactive हैं, सुस्त हैं और inefficient हैं. उनको कोई right ही नहीं है, कोई हक नहीं पहुँचता कि वो इंसान कहलाएं. What do you mean by hollow man? Hollow man mean the man devoid of moral strength and human qualities, जिसमें इंसानी खसूसियात नहीं होती और इखलाकी कुव्वत नहीं होती. दे आर सेल्फिश एंड इनसिंसियर पीपल. वो खुदगर्ज होते हैं और मुखलिस नहीं होते. व्हाट इज द मेन आइडिया या सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोइम? द पोइम इज अ सैटायर ऑन अ मॉडर्न मैन. ये जो पोइम है ये सैटायर, सैटायर मीन आयरनी, तंस. जो मॉडर्न मैन पे तंस है वो दिस इज वर्थलेस कैरेक्टर. जिसका जो कैरेक्टर है, जो किरदार है, बेहसियत है, बेबुकत है. ही इज फेथलेस, इनएक्टिव एंड इनइफेक्टिव. ही स्पेंड्स मीनिंगलेस एंड पर्पसलेस लाइफ. बेमानी और बेमकसद की जिंदगी भी गुजारता है. ही हैज नो एम एंड डायरेक्शन. ना ही उसका कोई मकसद है जिंदगी का, ना ही कुछ सिमत है. How does the poet describe the vices of hollow man? Poet जो है वो hollow man की जो आवाज़ें हैं उन्हें कैसे बताता है? He says that their voices are meaningless. उनकी आवाज़ें बेमानी हैं. As wind passes through dry grass and the as wind passes through dry grass and as the voice created by rat's feet over broken pieces of glass. जैसे शीशे के टुकड़ों पर जो चूहे के चलने की आवाज़ होती है, या जो खुशक घास पे हवा के चलने की आवाज़ होती है, जिनका कोई मकसद मीनिंग नहीं होता. ये जो हॉलो मैन हैं उनकी आवाज़ें भी ऐसी हैं. What does the poet mean by shape without form?
तो शेप विदाउट फॉर्म का क्या मतलब है? शेप विदाउट फॉर्म मीन्स मॉडर्न मैन हैव फिजिकल फीचर्स लाइक ह्यूमन बींग्स, बट दे आर डिप्राइड ऑफ ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स। कि जो मॉडर्न मैन है उनकी जिस्मानी जो हालत है वो जो इंसानों जैसी तो है, लेकिन उनमें इंसानी खसूसियात से वो महरूम हैं। दे डू नॉट हैव द क्वालिटीज़ विच मेक दैम डिस्टिंग्विश्ड, और उनमें वो खसूसियात वो खूबियाँ नहीं होती जो उनको नुमाया बनाती हैं या जो उनको मुमताज़ बनाती हैं। और वट शुड बी सेल्फ सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो रहा है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के जो पास्ट पेपर्स हैं उनको देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो रहा है। वाई डज द पोइट कॉल्ड डिस्क्राइब मॉडर्न मैन एज हॉलो मैन, ये पहले भी हमने पिछले पढ़ लिया है। आप इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज द पोइम द हॉलो मैन अ क्रिटिसिज्म ऑफ मॉडर्न सोसाइटी, जदीद माशरे पे ये तनकीद है ये कैसे है? द पोइम इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। द हॉलो मैन आर मॉडर्न मैन हु आर स्टक इन द माइज ऑफ मटीरियलिज्म। मटीरियलिज्म मीन मादियत परस्ती, दौलत के पीछे भागने वाले लोग। माइज मीन दलदल कीचड़, कि जो मॉडर्न मैन है वो मादियत परस्ती की दलदल में वो स्टक हो गया है, फंस गया है। दे हैव लॉस्ट देयर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, और उनकी जो रूहानी ताकत है वो भी ख़त्म हो गई है। दे हैव लॉस्ट देयर कैपेसिटी टू थिंक एंड कम्युनिकेट, और उनके सोचने की और गुफ्तगू करने की सलाहियतें हैं वो भी ख़त्म हो गई हैं। दे हैव नो इनिशिएटिव, नो आइडेंटिटी, ना ही उनकी कोई शिनाख्त है, ना ही कोई काम मकसद शुरू करने का उनमें हौसला है। हाउ डू द वॉइस ऑफ हॉलो मैन रिजेंबल, हॉलो मैन की आवाज़ें कैसे किस चीज़ से रिजेंबल करती हैं, किससे मिलती हैं? जी एस एलियट सेज द हॉलो मैन आर स्पिरिचुअली डेड एंड मेंटली एम्प्टी। जो हॉलो मैन हैं वो खोखले लोग जो हैं वो रूहानी तौर पे मुर्दा हैं और जहनी तौर पे बिल्कुल खाली हैं। दे हैव नो थिंकिंग एंड नो कम्युनिकेशन, देयर वॉइसिस आर हश्ड ड्राइड एंड मीनिंगलेस लाइक द साउंड ऑफ विंड पासिंग थ्रू ड्राई ग्रास और द साउंड ऑफ फ्रेयर्स फीट ओवर द ब्रोकन ग्लास। तो उनकी जो आवाज़ें हैं वो बहुत बेमानी हैं और ब्राइट हैं, मीनिंगलेस। जिस तरह के हवा की आवाज़ खुशक घास पे से होती है या चूहे के चलने की आवाज़ होती है शीशे के टुकड़ों पे। व्हाट डज द फ्रेज द स्टफ्ड मैन मीन, स्टफ्ड मैन का मतलब क्या है? द फ्रेज स्टफ्ड मैन मीन्स द मॉडर्न मैन हैव लॉस्ट देयर इनर स्ट्रेंथ। कि जो जदीद लोग दौर के लोग हैं उनकी अंदरूनी जो स्ट्रेंथ